प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। भारत में हर दिन कोरोना बम फूट रहा है। हर दिन कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और केसेस बढ़ने की रफ्तार भी दुगनी तेजी से बढ़ रही है। कई राज्य हाई अलर्ट पर हैं। वहीं भारतीय राजदूत बाला वेंकटेश ने कहा कि इसी महीने स्पुतनिक वी कोरोना वैक्सीन भारत आ जाएगी। आपको बता दें कि देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 217,353 नए मामले आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,42,91,917 हो चुकी है, जबकि 1,185 नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 1,74,308 हो गई है। इधर दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 16,999 नए केस सामने आए और 112 लोगों की मौत हो गई। वहीं बात महाराष्ट्र की करें तो महाराष्ट्र में गुरुवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 61,695 नए मामले सामने आने के बाद मामलों की कुल संख्या बढ़कर 36,39,855 पर पहुंच गई है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने ट्वीट कर बताया कि उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है और उन्होंने खुद को होम क्वारंटीन कर लिया है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी ट्वीट कर जानकारी दी कि वो कोरोना से संक्रमित है। इधर कोरोना संक्रमण को लेकर शुक्रवार को झारखंड सरकार 10वीं और 12वीं की कक्षा और परीक्षा समेत दूसरे मुद्दों पर महत्वपूर्ण फैसला लेगी, साथ ही कोरोना संक्रमण के मुद्दे पर भी कुछ कड़े फैसले ले सकती है। ये बात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीएम आवास में पत्रकारों से कही। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में गुरुवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 6,769 नए मामले सामने आए, जो अब तक के सर्वाधिक दैनिक मामले हैं। इसके साथ ही सूबे में अब तक सामने आए महामारी के कुल मामलों की संख्या 6,36,885 हो गई है। वहीं बात राजस्थान की करें तो राजस्थान सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए गुरुवार देर रात, शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक राज्य में कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है। वहीं मध्य प्रदेश में गुरुवार को कोरोना संक्रमण से 53 और लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही 10,166 नए मरीजों में इस संक्रमण की पुष्टि हुई है। नए रोगियों और इससे मरने वालों का ये एक दिन का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। कोरोना से जुड़ी दूसरी खबरों के लिए देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।